students, CRO. Cathode rays, oscilloscope. Cathode rays, oscilloscope. ये हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग के लिए यूज़ की जाती है. इसके ज़रिए हम किसी भी साइनोसाइडल वेव की आउटपुट को हासिल कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम पीरियड वो फाइंड कर सकते हैं. इसके अलावा दो वोल्टेजेस का फेज डिफरेंस वो भी हम इस सीआरओ के ज़रिए डिटरमिन कर सकते हैं. तो ये मल्टीपर्पज़ है. इट इज़ मल्टीपर्पज इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट स्पेशली यूज टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड और इसके अलावा ए फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस एट एक्स्ट्रा मल्टीपर्पज़ है. हम इस पे कोई भी साइनोसाइडल वेव का आउटपुट स्क्रीन पे हासिल कर सकते हैं. बेसिकली ये कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप कैथोड रेज ट्यूब है जो कि टेलीविज़न की पिक्चर ट्यूब की तरह काम करती है. इसके ऊपर रिजल्ट भी आपको ऐसे मिलेगा जैसे टीवी की स्क्रीन पे मिलता है और उसकी शेप भी एक बॉक्स की तरह होती है. इस बॉक्स पे ये स्क्रीन है जिस पे हमें वेव की आउटपुट या किसी भी जो हम वोल्टेज साइनोसाइडल वोल्टेज है उसकी आउटपुट हासिल करना चाहते हैं वो इस स्क्रीन पे विजुअलाइज कर सकते हैं. तो इसके अलावा इसके ये इनपुट टर्मिनल्स हैं जिस पे हम अपनी इनपुट साइनोसाइडल वोल्टेज अप्लाई करेंगे. इसके अलावा इसके कंट्रोल्स होते हैं. टाइम जनरेटर का कंट्रोल है, टाइम बेस्ड जनरेटर का कंट्रोल है, एम्पलीट्यूड का कंट्रोल है और इसी तरह हमारी वेव की जो विड्थ है उसके भी कंट्रोल होते हैं. हम इधर शॉर्ट में जो मेन मेन चीज़ें हैं वो बता रहे हैं. तो स्क्रीन पे हमें आउटपुट मिल जाएगी हमारी किसी भी वेव की विजुअल आउटपुट. विजुअल आउटपुट ऑफ अ वेव इज ऑब्टेन एट द स्क्रीन. किस तरह से ये काम करती है इसका मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं और ये देखते हैं कि ये सीआरओ बेसिकली इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है और ये कैसे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए हमें विजुअल आउटपुट देती है. तो ये सारे डेफिनेशन में हम ऐड कर लेते हैं. इट गिव विजुअल आउटपुट. इसकी आउटपुट हमें दिखाई देती है जिसे हम मेजरमेंट्स लेते हैं. ये इसका एक एडवांटेज है. कंस्ट्रक्शन पे आ जाएं. कंस्ट्रक्शन में हमारे पास फिलामेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स जो है जो इलेक्ट्रॉन्स को हीट के ज़रिए कैथोड में से मिट करेगा. इसका मतलब है ये जो फिलामेंट है ये हीटिंग फिलामेंट है
ये टेम्परेचर के ज़रिए इस सिस्टम को हीट करेगा, और इस तरह के थोड़ की जो प्लेट लगी हुई है इसमें से इलेक्ट्रॉन मिट होंगे। मैं कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ही आपको वर्किंग भी सिखा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ताकि हमें डिटेल में दोनों चीज़ों का साथ साथ ही पता चल जाए। तो पहली बात, फिलामेंट है जो हीटिंग के ज़रिए इस कैथोड वाली प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स मिट कराएगा। आगे ग्रिड है, एडजस्टेबल, हमारे पास ये होल है, इस होल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, जो इलेक्ट्रॉन जाके हमारी स्क्रीन पे टकराएंगे, और जो आउटपुट जो है उसको हम ब्राइट या डिम कर सकते हैं इस ग्रिड को कंट्रोल करके। इसका जो होल है उसको कंट्रोल करके हम आउटपुट की विजुअल जो इंटेंसिटी है उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि हमने ये देखा कि हाई स्पीड प्लॉटिंग ग्राफ इसमें बनता है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे ग्रिड में से, तो आगे ये एनोड्स हैं, एनोड वन, एनोड टू और एनोड थ्री। ये एनोड्स जो हैं ये दो काम करेंगे, पहले फिलामेंट आ गया, फिलामेंट के बाद कैथोड है, कैथोड के बाद ग्रिड है, कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ को, उसके बाद एनोड्स हैं ए वन ए टू एंड ए थ्री। ये नोड जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट भी करेंगे, उनकी किनेटिक एनर्जी में इंक्रीज भी प्रोड्यूस करेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फोकस भी करेंगे एक लाइन पे। तो इसका मतलब है ये नोड इलेक्ट्रॉन्स की बीम को एक्सेलरेट करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को किनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीज का बायस बनते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हुए आगे जाते हैं। आगे हमारे पास दो किस्म के सेट्स लगे हुए हैं प्लेट्स के। ये पहला सेट जो है ये वर्टिकल प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स जो हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के सामने वर्टिकली, यानी कि इस तरह से लगी हुई हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आएंगे तो ये प्लेट्स उनको हॉरिजॉन्टली डेविएशन देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजॉन्टली डेविएशन देंगे। प्लेटें वर्टिकल लगी हुई हैं, लेकिन ये डेविएशन जो देंगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, इसलिए हॉरिजॉन्टल डेविएशन देने की वजह से हमने इनका नाम एक्स एक्स डैश प्लेट्स रख दिया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रॉन्स की बीम को डेविएट करती हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की बीम, इसका मतलब है इन प्लेट्स के ज़रिए हॉरिजॉन्टली डेविएट होंगी। इन प्लेट्स का जो कंट्रोल है, इस प्लेट का और इस प्लेट का, ये इनर बिल्ट सर्किट है। सर्किट इलेक्ट्रॉनिक है, ये इनर बिल्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन प्लेट्स की वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज इंक्रीज इस तरह से करता है कि आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली डेविएट भी हों, और वो वेव जो है वो आगे की तरफ भी बढ़ती रहे, ताकि पीछे से नई वेव जो है वो जैसी बन रही है वो पीछे से आती जाए। इसलिए ये टाइम के लिहाज से फ्लोटिंग होती है, इसलिए इन प्लेट्स को टाइम बेस जनरेटर कहते हैं, टाइम बेस जनरेटर। ये एक्स एक्स वाली प्लेट्स का नाम है। इन प्लेट्स की जो वर्किंग है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उनको हॉरिजॉन्टली डेविएट भी करेंगी और उनको शिफ्ट भी करेंगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आगे शिफ्ट भी करेंगी, और इस तरह वेव आगे बढ़ती हुई पीछे से नई वेव हमें जो है वो विजुअल फॉर्म में मिलती जाएगी। ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है ये आम हालात में, इसके साथ थोड़ा सा इन बिल्ट सर्किट में वाई वाली प्लेट्स भी काम करती हैं थोड़ा, बाकी हमारी जो इनपुट है वो वाई वाली प्लेट्स को मिलेंगी, लेकिन इस थोड़ी सी वर्किंग वाई वाली इन बिल्ट सर्किट की भी है। तो दोनों मिलके एक सार टूथ वेव तब बन रही है विदाउट इनपुट सिग्नल। अभी हमने अपना सिग्नल सिस्टम में ऐड नहीं किया, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, इनर सर्किट काम कर रहा है, और आपको इस तरह की वेव प्लॉटिंग जो है वो स्क्रीन पे मिल रही है। वैसे अगर ये दोनों प्लेट्स काम ना करें, दोनों सेट्स प्लेट्स के काम ना करें, एक्स वाली प्लेट्स या वाई वाली प्लेट्स काम ना करें, तो तब आपको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा सेंटर में,
क्योंकि दोनों प्लेट्स डेविएशन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करेंगी और इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे जाके स्क्रीन के सेंटर में, और ये हमने स्क्रीन के अंदर फ्लोरिसेंस मटेरियल लगाया हुआ है। ये फ्लोरिसेंस मटेरियल जो है ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेगा जिसको जिसके आगे ग्लास है और हम दूसरी तरफ से विजुअलाइज कर लेंगे। तो अगर दोनों सेट्स प्लेट्स के काम नहीं कर रहे विदाउट एडजस्टिंग द इनर सर्किट, इनर सर्किट को आप ऑफ कर सकते हैं, इधर से इधर एक नॉब लगी होती है जिधर से आप इनर सर्किट को ऑफ करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप सीआरओ को ऑन करते हैं तो सेंटर में सिर्फ एक ब्राइट स्पॉट होता है, यहाँ पे इस जगह पे ये ब्राइट स्पॉट होता है जो ये जाहिर करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है वो हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स आके स्क्रीन से स्ट्राइक कर रहे हैं। जब आप इनर सर्किट को ऑन कर देते हैं तो फिर ये आपको शॉर्ट वेव मिलती है जो तेज़ी से पहले इंक्रीज़ हो रही है, फिर एकदम से ड्रॉप होकर ज़ीरो, फिर इंक्रीज़ हो रही है, फिर ज़ीरो, फिर इंक्रीज। इसमें अब हमारा सिग्नल ऐड होगा, जिस सिग्नल को कि हम आउटपुट चाहते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर देखेंगे स्क्रीन पे क्या रिजल्ट मिलता है। आगे आ गए जी वाई वाई डैश प्लेट्स। ये प्लेट्स जो हैं ये वर्टिकली डेविएशन देती हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, और हम अपनी जो इनपुट है वो इन्हीं प्लेट्स पे अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है इन दो प्लेट्स पे, इस पे और इस पे वी गिव इनपुट सिग्नल, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की जो भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं वो वाई वाई डैश प्लेट्स को अप्लाई करेंगे स्क्रीन पे, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। वाई 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 डैश वाली प्लेट्स जो हैं ये लगी हॉरिजॉन्टल हुई हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लगी हुई हैं, लेकिन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये डेविएशन वर्टिकली दे रही हैं। वर्टिकली डेविएशन देने की वजह से इसका नाम, इनका नाम हमने वाई वाई डैश रखा है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब इधर से दोनों प्लेट्स के जरिए असर नॉर्मली गुजरेंगे इनर सर्कल की वजह से तो ये शॉर्ट ऑफ वेव बनेगी, लेकिन जैसे ही हम वाई और वाई डैश वाली प्लेट्स पे अपनी इनपुट अप्लाई करेंगे, हमारी वो साइनोसाइडल वेव जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे वाई वाई डैश वाली प्लेट्स पे, इधर एक ये जो पिन्स हैं इसमें हम अपनी इनपुट साइनोसाइडल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इनका तल्लक वाई वाली प्लेट्स के साथ है, ये वाई वाली प्लेट्स के साथ इनका कनेक्शन है। तो वाई वाई डैश वाली प्लेट्स जो हैं वो वर्किंग स्टार्ट कर देंगी और हमें स्क्रीन के ऊपर वो वेव जो है इस वेव में ऐड होके मिल जाएगी। अब इस वेव में ऐड होने के बाद जो रिज़ल्ट बनेगा वो जैसा भी हो वो हमें आउटपुट की फॉर्म में विजुअलाइज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी हार्ट बीट को स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आपने हॉस्पिटल्स में भी सीआरओ लगी हुई देखी होगी जिसमें हार्ट बीट का ग्राफ आ रहा होता है, हमारी हार्ट बीट भी इस पे आ जाती है, वो सेंसर जो है हमारी आर्टरीज के साथ कनेक्ट हो जाता है, मतलब हम यहाँ पे आर्टरीज के साथ एक माइक की तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सेंसर कहते हैं, वो लग जाएगा और उसकी सप्लाई वाई वाई डैश को मिल जाएगी और उससे प्रोड्यूस होने वाला जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रॉन्स को डेविएट करेगा और इस तरह हमें स्क्रीन के ऊपर हमें हमारी हार्ट बीट की जो वेरिएशन है वो दिखाई देगी और उसको वो ग्राफ की प्लॉटिंग वो आगे भी शिफ्ट हो रही होगी। फिलहाल हम हार्ट बीट के बजाय बात करते हैं नॉर्मल साइनोसाइडल वेव की जो हमने अप्लाई कर दी है, इस पर अप्लाई की है और इस तरह इलेक्ट्रॉन जाके स्क्रीन के अंदर वाली साइड पर फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और स्क्रीन पर हम रिज़ल्ट देख रहे हैं। स्क्रीन का जो रिज़ल्ट है उसको सिंक्रोनाइज भी करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा ये एक्स वाली नोब के ज़रिए, क्योंकि हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है और जो एक्स वाली इनर बिल्ड फ्रीक्वेंसी है वो दोनों एडजस्ट करने के लिए हमें एक्स वाली नोब को एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम बेस्ड जनरेटर ये जो है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वेव फॉर्म नॉर्मल हमें विजुअल फॉर्म में नॉर्मल हालत में मिल जाए। इसकी विड्थ कम ज़्यादा, इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा, वो सारी एडजस्टमेंट हमें यहाँ से सिंक्रोनाइज करनी पड़ेगी। वो सिंक्रोनाइज करेंगे तो फिर हमें रिज़ल्ट का पता चलेगा कि रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी फॉर्म में हमें स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है या नहीं। अब ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन जो हमने स्टडी की है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एनोड्स की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स बीम को शॉर्प किया, आगे वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ने उस आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम को डेविएशन दी। ये एक्स वाली प्लेट्स ने हॉरिजॉन्टल डेविएशन दी और वाई वाली प्लेट्स ने वर्टिकल डेविएशन दी। जब आपका स्क्रीन के ऊपर ग्राफ आ जाएगा तो यहाँ से आप आसानी के साथ
फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट भी ले सकते हैं, वोल्टेज की पीक वैल्यू वोल्टेज की क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज की क्या है, जो टाइम के लिहाज से टाइम पीरियड है वो भी आप मेजर कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आप मेजर कर लेंगे, टाइम पीरियड मेजर कर लेंगे, इसके अलावा फेज़ डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। फेज़ डिफरेंस फाइंड करने का मेथड ज़रा डिफरेंट है, वो भी हम बाद में देख लेते हैं। तो इस तरह वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनकी मेजरमेंट जो है वो हम इस CRO के ज़रिए स्क्रीन के ऊपर आउटपुट की सूरत में ले सकते हैं। तो जो बातें हमने यहाँ पे सीखी हैं उसमें ये है कि ये हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा इसमें एनोड की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन की बीम को शार्प करती हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि जो फिलामेंट और कैथोड और ग्रिड का करैक्टर है वो ये है कि फिलामेंट हीट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, ग्रिड में से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे, एनोड उनको एक्सेलरेट करेंगे, ये भी हमने देखा। अब हमने ये देखना है कि ये फेज़ का जो डिफरेंस है ये कैसे फाइंड किया जाता है CRO में। तो फेज़ का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम दो वेव्स, दो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को इकट्ठा अप्लाई कर देते हैं, इकट्ठी इनपुट्स, दो इनपुट्स दे देते हैं। इनपुट्स के टर्मिनल यहाँ पे और भी मौजूद होते हैं, तो दो किस्म की इनपुट्स हमने अप्लाई कर दी। अब जब दो किस्म की इनपुट्स अप्लाई करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेव ये बन रही है, यहाँ से आप इसकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज वगैरह में ये कर सकते हैं। और दूसरी जो वेव है फॉर एग्ज़ाम्पल इसके उल्ट है, एक ही वक्त में आपने दो इनपुट्स दे दिए। अब जब आपने दो इनपुट्स दिए हैं तो ये दोनों इनपुट्स एक दूसरे के लिहाज से हम कहेंगे कि 180 के फेज़ डिफरेंस पे हैं। क्यों 180 के फेज़ डिफरेंस पे हैं? क्योंकि जहाँ एक इंक्रीजिंग है वहाँ दूसरी डिक्रीजिंग है, जहाँ उसका पीक है इसका उल्टी साइड पे पीक है, ठीक है ना। तो ये दोनों 180 के फेज़ डिफरेंस पे हैं, स्टेशनरी वेव टाइप ये डायग्राम बन गई है। सिमिलरली अगर हम दोनों इनपुट्स देते हैं और दोनों का ग्राफ जो है वो एक जैसा ही आ जाता है या एक दूसरे के साथ उसका फेज़ चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे इनमें फेज़ डिफरेंस ज़ीरो है। तो इस तरह से हम दो डिफरेंट किस्म की इनपुट्स का फेज़ डिफरेंस भी CRO के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। CRO में फ्लोरेसेंस मटेरियल स्क्रीन के अंदर वाली साइड पे वैसा ही लगा हुआ है जैसा कि टीवी स्क्रीन की अंदर वाली साइड पे भी फ्लोरेसेंस कंपाउंड्स लगे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इस फ्लोरेसेंस स्क्रीन से टकराने के बाद जो चमक पैदा करते हैं, जो लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम इधर से विजुअलाइज कर लेते हैं। तो ये सारा CRO का तरीक़ाकार है, इसका इसकी वर्किंग है। तो CRO इसका मतलब है हमें विजुअल आउटपुट देती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं टू फॉर्म दी वेव, और इलेक्ट्रॉन की डेविएशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ज़रिए की जाती है। इसमें एक फील्ड इनबिल्ट होती है और दूसरी जो है हमारी इनपुट की सूरत में चेंजिंग होती है। वो ये सारी की सारी फास्ट प्लॉटिंग जो है वो आपको CRO की स्क्रीन पे मिल जाती है।